नेशनल ऑन्कोलॉजी समिट 2022 मां सामान्य कैंसर ना वर्तमान प्रवाहों नी चर्चा कराई हती। मेरा नाम डॉक्टर अनिल डिक्रूज है। आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं टाटा हॉस्पिटल में पहले डायरेक्टर था, अब अपोलो हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ ऑन्कोलॉजी का। साथ में आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन इंटरनेशनल फॉर कैंसर कंट्रोल इन जेनीवा। ये सबसे लार्जेस्ट कैंसर कंट्रोल बॉडी है, हेडक्वार्टर्ड इन जेनीवा। 172 कंट्रीज आर मेंबर्स, वी हैव ओवर 1200 मेंबर्स। हमारी 30 साल की एक्सपीरियंस है कैंसर के इलाज में। ऑन्कोलॉजी समिट 2022, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन यहाँ पर है, क्या चर्चा हो रही है और क्या इसमें से निकलेगा? ये 2 दिन की प्रोग्राम है, हम थोड़े से फिर बाकी जो लोकल हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो सप्लीमेंट करेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज बाय स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स। इसमें हमारे देश में जो कॉमन कैंसर्स हैं उसकी चर्चा होगी। हमने अभी थोड़े देर पहले भी बताया था इसमें क्या विशेषताएं हैं। एक, एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हमारे देश के एक्सपर्ट्स पूरे कंट्री में से यहाँ शामिल हैं। सेकंड, ये एक्सपर्ट्स तीनों बड़े विभाग से हैं, सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशन होती है, साथ में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं उनको भी डिस्कशंस में शामिल किया है। तीसरी, हम लोग जो लेटेस्ट एविडेंस है हमारी आज की तारीख में उसकी डिस्कशन होती है। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कुछ रिसर्च विदेश से आती है यहाँ पे, बट कितनी एप्लीकेबिलिटी है अपने देश में, हम एक्सपर्ट्स उस पर चर्चा करके डेलीगेट्स को बताते हैं कि ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, और हमारे पेशेंट्स को फायदा कैसा होगा उसकी चर्चा होती है। और लास्ट, जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे क्लियर एविडेंस नहीं है राइट आंसर क्या है, राइट रॉन्ग आंसर, उस पे भी एक्सपर्ट्स विल डिबेट और लोगों को क्लियर मैसेज देंगे। ऐसी जब कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आए उसमें इस किस्म की ट्रीटमेंट होनी चाहिए।